शर्मा कुछ कह रहे हैं दिल्ली से, वो एक बार। और जिस तरह के हालात देश में बन गए हैं मोदी जी की और बीजेपी की सरकार के रहते हुए, आज हर तरफ हर वर्ग निराशा के दौर से गुजर रहा है। बेरोजगार नौजवान परेशान है, आर्थिक मंदी की स्थिति देश के सामने है, और जिस तरह के हालात उद्योग धंधों के बने हैं, चाहे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, एक एक पेज का विज्ञापन दे रहे हैं वो लोग। और देश के हालात बहुत खराब हैं और कानून और व्यवस्था इनके बस की बात रही नहीं है। अब लोग मोदी जी के 2014 में जो कही गई बातें हैं उनको आप चला रहे हैं। जो आरोप उन्होंने कांग्रेस के ऊपर लगाए उससे डबल आरोप उनके ऊपर आज बन रहे हैं। जिस तरह के हालात आज देश में बन गए हैं, महिला अत्याचार बढ़ा है, बलात्कार की घटनाएं बढ़ी है, कानून और व्यवस्था इनके बस में नहीं है, देश आज आर्थिक रूप से वेंटिलेटर के ऊपर है और रोजगार कोमा की स्टेज में चला गया, तो आज किसान परेशान है, नौजवान परेशान है। ये सही समय है जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने भारत बचाओ रैली की शुरुआत की है। ये हमारे आंदोलन के चरण की शुरुआत है। आगे चैन से बैठेंगे नहीं, क्योंकि कांग्रेस चाहे विपक्ष में है लेकिन हमारी जिम्मेदारी जनता के प्रति बनती है, और सड़क पे आंदोलन करेंगे, जनता के हक की लड़ाई लड़ेंगे। आने वाले समय में कांग्रेस इसको और विस्तार देगी अपने आंदोलन।